अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुलफ शाकील। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं जो आपके चेहरे पर स्किन पोर्स हो जाते हैं उसको रिमूव कर कैसे करें। सो घर में मैं ये आपको बताती हूं। तो मेरे पास एक कमेंट भी आया था जिसमें मतलब ओपन पोर्स के लिए मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज मुझे जो है ओपन पोर्स के लिए कुछ बताएं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बता ही देती हूँ। तो मेरा जो पिछला वीडियो था, मतलब मैंने जो चिकन रोस्ट फ्राई बनाया था, सॉरी, तो वो बहुत अच्छा था और बहुत ही लोगों ने मेरे पास जो है मतलब अच्छे अच्छे कमेंट भी किए। और रही बात आज की वीडियो, तो आज की वीडियो मतलब मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी, सो मुझे उस रिक्वेस्ट पे ही ये वीडियो मैं बना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये रहे आपके बेसन, ठीक है, 2 चम्मच मैं बेसन ले लेती हूँ। आपको लेना है कस्तूरी हल्दी। सो कस्तूरी हल्दी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए कस्तूरी हल्दी ही इस्तेमाल करना चाहिए और कोई दूसरी हल्दी, मतलब घर में जो इस्तेमाल होती है ना, अगर आपके घर में ओरिजिनल है तो आप लोग ले सकते हैं वो हल्दी, लेकिन अगर बाजारू है तो उसमें बहुत सारा केमिकल होता है तो वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये 1 चम्मच मैंने हल्दी ले ली है और उसके बाद मुझे लेना है दही। तो दही भी मुझे उतना ही लेना है कि जितने में ये पेस्ट बन जाए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें दही उतना डालूंगी जितने में ये पेस्ट बन जाए। तो आपको ध्यान रखना है एक एक चीज़ को, मतलब इतनी बारीकी से इसको देखना है क्योंकि आपके जो ओपन पोर्स हैं ना वो बहुत ही मतलब ख़राब होते हैं और उसमें बहुत सारी मतलब बैक्टीरिया होते हैं, तो इसलिए जो हल्दी होती है ना तो वो एंटी बैक्टीरियल होती है, तो इसलिए आपके जो पोर्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये मारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और रही बात बेसन की, तो बेसन तो हमारी जो पहले ज़माने की जो नानी दादी थी वो तो मतलब ये सब चीज़ें आपके आप समझिए उपटन में इस्तेमाल करती थी और बहुत सारे मतलब पैक में इस्तेमाल करती थी अपने फेस को वो लोग वहाँ। अब ये फेस वॉश वगैरह आ गए हैं, पहले तो फेस वॉश नहीं थे ना, तो लोग पहले यही बेसन से ही मुंह धोते थे, तो इसलिए बेसन आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और रही अब ये रही दही, तो दही मुझे उतना डालना है जितने में ये पेस्ट बन जाए। और दही का भी बहुत अच्छा मतलब वो है क्योंकि दही आपकी स्किन को टाइट रखता है और लंबे समय तक आपके मतलब जो स्किन जो ढल जाती है और झाइयाँ मतलब हो जाती हैं या आप कह लें फाइन लाइंस हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को भी ये मतलब दही जो है बहुत ही कम कर देता है उस चीज़ों को। तो ये दही देखिए मैंने डाल दिया है, अब मैं इसको दही मुझे उतना ही डालना है जितने में ये पेस्ट बन जाए, ठीक है। उसकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि 1 चम्मच 2 चम्मच नहीं डालना है, बस उतना ही डालना है जितने में ये पेस्ट अच्छी तरीके से फेस पर लगाने के लिए तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैं उसको अच्छे से मैं मिला देती हूँ। और हाँ, आप लोग जो हैं मतलब इस्तेमाल करिए, देखिए भरोसा रखेंगे तभी आपको इस्तेमाल होगा, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप डॉक्टर को भी उन्हीं डॉक्टर को आप दिखाते हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा होता है, तो आप लोग जो है ना पहले अपने दिल में भरोसा रखिए और उसके बाद आप लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि जो भी चीज़ मैं बताती हूँ वो केमिकल फ्री होती है, कभी भी मैं कोई भी चीज़ केमिकल वाली नहीं बताती हूँ, इसलिए क्योंकि स्किन आपकी जो होती है बहुत नाजुक होती है और जब नाजुक होती है तो फिर उसको उसी हिसाब से ट्रीट भी करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने लगा दिया है, इसको पूरी तरह से मिला दिया है। अब आपको इसे मतलब लगाना है अपने पूरे चेहरे पर अच्छे तरीके से इसको लगाना है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ओपन पोर्स नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अपने फेस पर तो अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन मतलब ये फेस पैक अच्छा है और ओपन पोर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो इसको आप लोग जो है मतलब आप लोग इसे कम से कम अगर आप लोग लगाएं तो 20 मिनट तक लगाएं और अगर हो सके तो सूखने तक लगाएं। ये अच्छे से जब सूख जाए ना तो गुलाब जल आप अपने हाथ में ऐसे लीजिए और लेकर के अपने पूरे फेस पर ऐसे ऐसे डैप करें, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा गीला हो जाएगा, जब गीला हो जाएगा तो फिर ऐसे ऐसे हल्के हाथों से ऐसे ऐसे इसको मतलब आपको
मसाज करनी है। जब आप मसाज करोगे तो जो आपके पोर्स में मतलब बैक्टीरिया होंगे ना, वो सारे बाहर आ जाएंगे, और वो जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे वैसे वैसे आपके जो मतलब ओपन पोर्स हैं वो सारे के सारे हील होते जाएंगे। तो इसलिए आपको ये 20 मिनट तक लगाना है, और फिर जब ये आप मसाज कर लें उसके बाद आपको गुनगुने पानी से धोना है, मतलब ठंडे पानी से नहीं धोना है, नॉर्मल पानी से नहीं धोना है। अगर आपको धोना है तो आप लोग जो है गुनगुने पानी से। सो गाइज, मेरा ये एक पैक तैयार हो गया है ओपन पोर्स के ऊपर, और मेरे पास और भी हैं पैक, लेकिन फ़िलहाल आप इस पैक से फ़ायदा उठाइए, और मैं इसके आगे जब लेकर आऊँगी तो और भी आपके लिए ओपन पोर्स के ऊपर वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। फ़िलहाल आप इस पैक से फ़ायदा उठाएं, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दुआएं भी कर लिया करिए मेरे लिए, और ज़रूर ज़रूर मतलब दुआओं में याद रखा करिए। और मेरे फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ करें उनके लिए कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, उनको जल्दी से जल्दी अल्लाह पाक सेहत दे दे। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।